पिछले कुछ सालों में बंदूसी यहाँ इन्वेजिव स्पीशीज की तरह उभरा है, जिसे स्थानीय भाषा में विलायती तुलसी या फिर जंगली पुदीना भी कहते हैं। ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे कि मिंट आ रहा है, जंगली मिंट जिसको बोलते हैं, हिप्टिस सुयलेंस करके स्पीशीज है। हिप्टिस उन जगहों पे आता है जहाँ पे कि बहुत ओपन वास्ट बैरन एरिया जैसा हो जाता है और जहाँ पे कि नमी भी नहीं जरूरत होती। आज जो फॉरेस्ट हम देख रहे हैं, हो सकता है 15-20 साल बाद उसका स्वरूप ही पूरा बदल जाए, क्योंकि वो स्पीसीज अब नहीं जर्मिनेट कर पा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। एक कुल मिला जुला कि ये प्रॉब्लम केवल विंध्य की नहीं है, विंध्य के आगे भी आगे जाए या पेरिफेरी एरिया में जाए या विंध्य में जो नेशनल पार्क्स हैं वहां पे बड़ा एक्यूट प्रॉब्लम आ गई है। जंगलों की कटाई में आई तेजी निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। पर इससे भी बड़ा खतरा जो मुझे यहाँ देखने को मिला, जो यहाँ के जंगल और जीवों के विलुप्त होने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, वो है अवैध रूप से चल रहे खनन। विंध्य क्षेत्र में पाए जाने वाले बलुआ पत्थरों की मांग भारत में सबसे ज्यादा है। उत्तर मध्य भारत के कई प्राचीन इमारतें विंध्य क्षेत्र के बलुआ पत्थरों द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, जिसकी वजह से इन पत्थरों का बाजार में अच्छा मोल मिलता है। पत्थर माफिया यहाँ के गरीब और बेरोजगार लोगों को पैसों का लालच देकर इस काम में ढकेलते हैं। सुबह सूरज निकलने के साथ ही ये लोग निकल पड़ते हैं सरिया और हथौड़ा लिए जंगल की ओर। दिन भर ये लोग यहाँ जमीन से पत्थर काट कर निकालते हैं। कहाँ से पहले पता तो होगा कि ये मिर्जापुर से जहाँ से आई। और कौन भी कहीं हो रहा है काम ऐसे? हाँ, वहाँ परमिट लीज होल्डर की यहाँ मिले। अच्छा, लीज होल्डर कहाँ, कौन है यहाँ पे भाई? यहाँ कितना से हो रहा है काम, शुरू से चलता रहा है? अभी तो बहुत दिन से चला था, तो है बंद हो गई है, तब का करती ने तब धीरे धीरे थे गरीब जो मरे लगे तो अपन खाए शुरू कर दिए। ये यही कपड़ा ये जो लेटर है किसने भेजा? लीज वाले को, लीज होल्डर को लिखा है भैया। शाम को दूर लीज होल्डर के साइड से माल उठाने ट्रैक्टर आते हैं और इन लोगों को खोदे गए पत्थरों का आकार के हिसाब से पैसा मिल जाता है। अब यह काम यहाँ आम हो चला है। गांव के अधिकांश युवक इसे अपना रोजगार का मुख्य साधन बना चुके हैं। जंगलों का कोई भी हिस्सा अब इस तरह के खनन से अछूता नहीं है। इससे न केवल ये जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जा रही है, बल्कि खनन के पश्चात ये जमीनें हमारे किसी भी काम नहीं रहती। करोड़ों सालों के सृष्टि के निर्माण को हम चंद दिनों में यूं ही बर्बाद कर दे रहे हैं। रात में हाथ लाई हो रही पत्थर, दिन कौन है जबकि रात बाड़ी क्षेत्र में हो रही है, मल्या क्षेत्र में हो रही है, अरोरा में हो रहा है, हर जगह बहुत बल घाट खुले आम भी हैं, चौराहे हैं, उससे सिपाही खड़े रहते हैं, ट्रैक्टरों से पैसा लेते हैं, फिर तरफ में चलते हैं। पुलिस मौत, बल घाट मौत, कमाई के अवैध कमाई। अगर जांच किया जाए ईमानदारी पूर्वक तो सत्ता पक्ष के विधायक ही लिप्त पाए गए। जिसमें विस्फोट होता है उसमें जाओ पागल तरफ, पागल कहीं बस्ती में भाग चले जाते हैं, कुछ होता है जानवर तो पूरी तरह सफाया होता है। अब मरिया के जंगल में भालू नहीं जाते हैं, पहले तो भालुओं का झुंड में झुंड रहता था। यानी ये तेंदुए पाए जाते थे 3-4 साल पहले, 5 साल पहले तक दिखते थे, किंतु अब जो है विलुप्त प्राय हो गए हैं, अब दिखते नहीं है। उसका कारण संभवतः ये विस्फोट होता है खदानों में चट्टानों। काफी पहले तो यहाँ पर सभी जानवर थे, अब बड़े जानवर नहीं रह गए हैं जंगल में, वही सियाल वाले छोटे जानवर वही देखने को मिल जाएंगे आपको, बड़े जानवर तो आपको मिलेंगे नहीं, सब छोड़ के जंगल बांध गए थे विस्फोट के चलते। खनन और जंगलों की अंधाधुंध कटाई का सीधा असर चराई करने वाले जानवरों और चरागाहों पर भी पड़ता है।
चराई के लिए नए क्षेत्रों की तलाश में चरवाहे जंगलों के अंदरूनी क्षेत्रों में भी जाने लगे हैं, जिससे न सिर्फ बचे खुचे जंगलों और जानवरों के प्राकृतिक आवासों पर दबाव बढ़ता है, बल्कि इसके फलस्वरूप इंसान और जानवरों के बीच मुठभेड़ के मामले भी बढ़ते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं जब जंगली जानवर भटक कर रिहायशी इलाकों में चले जाते हैं और किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हैं। जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है और लाइव स्टॉक भी बहुत ज्यादा है। इस क्षेत्र में काफी जानवर खुले छोड़ दिए जाते जो जंगलों में जाके चरते हैं, तो अल्टीमेटली जो जंगलों की चारण क्षमता होती है, जिसे ग्रेजिंग कैपेसिटी कहते हैं, लिमिटेड होती है। जंगलों में जंगली जानवरों के स्थान पर लोगों के पालतू पशु चर रहे हैं, तो जंगली जानवरों के लिए भी स्थान कम होता जा रहा है। इन सब से नुकसान भले ही गाँव वालों को ज्यादा होता है, पर इन जानवरों को जंगलों से बाहर निकलने के लिए हमने ही तो मजबूर किया है। वहाँ गोबरहवा से हाथी सीधे चली आ रही थी यही इस तरफ, तो हमहू आई के हमहू मनावा उनावा हाथ जोड़ के, और बाद फिर हाथी जोन बाटे की कुछ दूर पीछे गई। और इसके पहले जो है कि आई थी तो दो तीन लोग का जो है कि मड़ई उठाकर फेंक दी, और उसके बाद एक लोग का जो है 50 किलो यूरिया खाद खा गई, और एक लोग जो है सूते थे रात में उनका जो है कि रजाई खींच कर जो है कि फाड़ दिया। और इसके तीन दिन पहले जो है कि ताती मनवा गांव में वो हाथी आई थी, वहां पर एक लोग 3 क्विंटल जो है कि धान धराए थे, और वो धान जो है कि धराकर अपने द्वार पे धर दिए थे, और मालूम नहीं था उन्हें कि ऐसा हो जाएगा। और रात में जो है कि वही हाथी आई, और उसके बाद फिर वो हाथी जो है कि एक दो बोरी चावल जो है कि खाई। जंगल घूमने गया था 15 अगस्त के दिन, झाड़ी में भालू था, एक आध बैग आ करके हमसे बात की, और चार भालू मिलकर हमको काटे गिरा था। जब सांप पर बंद कर दिया तो भालू अंदर जान गए थे, मर गया, भाग गया तब उठते तब गिरे थे, ऐसा महसूस। जब लोग जंगल में जाते हैं गाय बकरी या बैल चराने के लिए, तो जंगलों में बड़ी बड़ी झाड़ियां जिनके अंदर वो भालू अपना मेल अपने दो बच्चों के साथ छिपे रहते हैं। जब इनके या गाय या बकरी जाके उस झाड़ को डिस्टर्ब करते हैं, उसको बाहर निकलते हैं, तो वो सब समझते हैं कि ये सब इनकी वजह से हो रहा है, ये लोग हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो इनके ऊपर अटैक करते हैं। ये सब घटनाएं सिर्फ चेतावनी है कि जंगलों के असली मालिक यहाँ के प्राकृतिक जानवर हैं और इनके घरों में हस्तक्षेप करने का हमें कोई हक नहीं है। पर गांव वाले भी करे तो करे क्या, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। दिन भर पत्थर तोड़ते हैं, संझा के आते हैं कि संझा के प्रोग्राम बनाते हैं साहब के क्या खाएं, कहाँ से कर्जा काढ़ोगे कि पैसा हम लोग खाएं, खर्चा चलाएं, पेट चलाएं, अपन चाटे परिवार। हम लोग को परेशानी है कि दिन भर खटो और संध्या की मजदूरी जाओ मांगने के लिए तो मजदूरी नहीं मिल रहा है, हम लोग मरते हैं खाते बिना। त्योहार पर कोनो त्योहार पड़ा तब भी मिल जाते हैं दाल और नमक नहीं, नमक रोटी पाते हैं खाते हैं साहब, दिन में एक बार खाते हैं साहब। 5 साल हो गया झूरा पड़ते हैं और कोई पानी का निस्तार नहीं, कितना दरखास्त दिए, कितना SP कलेक्टर सभी आए यहाँ पर, हाँ ऐसे नाला खुदवा दूंगा, ऐसे बोर करा दूंगा, 18 इंची पानी निकालूंगा, कोई निकालने वाला सुनने वाला मिला नहीं। गांव का ग्राम पंचायत जो प्रधान है वो भी साले कुछ नहीं किए, जो कि हमारे लग को कोई कार्ड नहीं बना है गरीबी के कारण, न गरीबी की न अमीरी बना है, हुआ है गल्ला हम लोग नहीं पाते। प्रधान जी ने देखो तो कम से कम यहाँ बरकछा से जब यहाँ बरकछा डाकेंगे तो उनकी कम से कम 1000 बीघे जमीन हो गया। अब 10 साल में 2 पंचवर्षीय जीता 1000 बीघा जमीन लिखा ली, बताइए गरीब के गांव जितने हैं उसमें का किसी का कार्ड नहीं दिया, किसी का पैसा नहीं दिया, आवास सरकार से लिया पैसा अपना खा गया, आवास उनका नहीं बनवाया,
और ऐसे बहुत सारा मतलब है हाँ। तालाब का पोखरा मतलब कि तालाब बदे पैसा वहाँ सरकार से लिया, यहाँ कुछ किया नहीं अपना सब करके अपना। हमारे गांव में तालाबों तो है, तालाब अगर खुदवा देते तो पानी बरबखत हमारे गांव में मछली से मतलब किसान लोग अपन व्यवस्था कर लेते, बाकी वो भी नहीं किया। सब जो भी व्यवस्था है सब खाके हम तो चाहते हैं कि लकड़ी का कारोबार ना करूं, लेकिन भाई मजबूरी है, चार छह बदले कैसे खाएं पिएंगे, इसलिए 50 रुपए काम करते हैं, और नहीं तो फिर भाई लकड़ी का काम लंबा दूरी हम तो नहीं चाहते हैं कि इतने में कैसे हम मेरा लड़का जी खा लेगा। जन्म प्रमाण पत्र है अस्पताल में, इसको बनाने में 1000 रुपए लिया जाता है घूस। जिसको बच्चा हो रहा है बच्चा की पूरा रिपोर्ट भी नहीं देते हैं, उसको घूस ले रहे हैं। आंगनबाड़ी भी जो है कि काम ढंग से नहीं करता, खिचड़ी आ रहा है बच्चा लोग के पोषाहार वो नहीं दे रहे हैं, वो लोग जो है कि अपने अपने गाय भैंस के डाल रहे हैं। अब कोई साइन करना है कि रिपोर्ट देखिए, कोई साइन करना है तो जो है कि उसको कहते हैं खर्चा दो 500, इसमें हमारा खर्चा लगता है, मेरा जेब के जो है कि तुम मार खा रहे हो। डायरेक्ट हम लोग कहाँ जाए रोने, बोल रहे हैं कि अपने बाप के यहाँ जाओ रो, हमारे के यहाँ तुम क्यों रो रहे हो। देखिए सिकंदरी काम में प्रधान खाया है, सिकंदरी काम में प्रधान खाया है 200 रुपया, और जो है कि दस्तखत नहीं बना है, और फिर मांग रहा है 300। कोई भी काम जा रहा है उनसे कह रहे हैं 500 दो, क्या उखाड़ लेंगे मेरा, जाओ जहाँ तुम्हारा जानी हो वहाँ तक कर लो, मेरा उखाड़ लो। मिर्जापुर का ये हिस्सा अपने प्राकृतिक सौंदर्यता के लिहाज से इतना धनी है कि अगर इसके महत्व को समझा जाए तो यहाँ आजीवन रोजगार के अवसरों का विकास किया जा सकता है। भिंडम, टांडा और सिरसी जैसे कई फॉल हैं जो प्रशासन के लचर और विमुख रवैये से सिर्फ स्थानीय लोकप्रियता बनकर ही रह गए हैं। लेकिन थोड़ी परेशानी जो है यहाँ पर सब लड़के है ना, कोई औरत तो नहीं है, तो ये मेरे लिए थोड़ा परेशानी है क्योंकि पूरा समय को तो कहते हैं और ये थोड़ा भीड़ है यहाँ पर। ये है टांडा फॉल, ये उन फॉलों में